महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है, इस महीने में क्या क्या होकर रहेगा, कहां से आपको लाभ मिलेगा, कहां सावधान रहना होगा, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं लास्ट में उपाय बताऊंगी, उस उपाय को जरूर करिएगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े और आपका काम जो है बनता चला जाए। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे कि मेरे वीडियो की नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो ग्रहों के आधार पर राशि का आंकलन किया जाता है कि आगे क्या घटना घटने वाली है, सभी के बारे में पहले ही सचेत किया जाता है। इसलिए हमें राशि फल देखना जरूरी होता है जिससे कि हम सतर्क हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के सब कुछ के बारे में। दोस्तों, इस माह आप अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें कन्या राशि वाले, क्योंकि उन्हें शुरुआत में कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान करेगी, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वहीं बड़ी बीमारी में बदल सकती है। इसलिए समय पर उनका इलाज करवा लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और कुछ समय से जो लोग संतान प्राप्ति की चाह में हैं तो इस माह शुभ संकेत मिलेगा। संतान प्राप्ति की राह में आई अड़चनें दूर होगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। बच्चे यदि स्कूल में हैं तो उनके किसी काम से खुशी मिलेगी और आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य तो रहेगा, लेकिन कोई अनहोनी भी घटित हो सकती है, सावधान रहने की ज़रूरत है। इस माह कन्या राशि वाले, आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगा। जहां एक और पुराने ग्राहक आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे तो वहीं नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। यदि हाल फिलहाल में नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। बाजार में आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। सरकारी अधिकारी इस माह विशेष ध्यान रखें और राजनीति के क्षेत्र के लोगों के साथ ना उलझें। बात सामान्य रूप से शुरू होगी, लेकिन सारा दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में शुरू से ही सावधान रहें और किसी चीज़ को तुल ना दें। निजी नौकरी कर रहे लोगों को काम का बोझ अपेक्षाकृत कम होगा और आराम करने को मिलेगा। शिक्षा और कैरियर, अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहेंगे और भविष्य की रणनीति करेंगे। माता पिता भी आपको लेकर सजग दिखाई देंगे और उनकी ओर से कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है। कॉलेज में किसी दोस्त के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए इससे सावधान रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का सोचेंगे और इसके लिए नए नए विचार भी मन में आएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार अवश्य कर लें तथा उसके बाद ही कोई निर्णय लें। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस माह आपका किसी पारिवारिक कार्यक्रम या दोस्त की पार्टी या समारोह में जाना होगा और वहाँ किसी के ऊपर दिल आ सकता है। मन ही मन आप उससे आकर्षित होंगे और उनके साथ सकारात्मक बातचीत भी शुरू हो सकती है। यह बातचीत आगे चलकर प्रेम संबंधों में बदल जाएगी। विवाह की प्रतीक्षा में हैं और घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं जिन लोगों की, तो इस माह उसमें रुचि ले, क्योंकि कुछ अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे। किंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वह हाथ से निकल भी सकते हैं, जिसका पछतावा बाद में आपको होगा। वैवाहिक लोगों का जीवन सुखमय रहेगा और पार्टनर का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों, तो माइग्रेन की समस्या रहती है तो माह के मध्य में संभल कर रहें, क्योंकि यह समस्या बढ़ सकती है। किसी चीज़ की चिंता सताएगी जिस कारण सिर दर्द ज़्यादा रहेगा। ऐसे में व्यर्थ की बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय अपने दिमाग को रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। शारीरिक रूप से आप एक कदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर जाते समय पूरी सावधानी बरतें। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें घर का बना खाना ही खाने दें।
यानी कि बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल आपको रखना है, घर का बना ही खाना उनको खिलाना है। फरवरी माह के लिए कन्या राशि का शुभ अंक जो है वह 5 रहेगा, इसलिए इस महीने 5 अंक को आप प्राथमिकता दें। कन्या राशि का लकी कलर जो है, शुभ रंग जो होगा आपका, वो होगा पीला, इसलिए इस महीने आप ज़्यादा करके पीले रंग का प्रयोग करें, इन्हें ही प्राथमिकता दें। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिसमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप करें, 10 मिनट के लिए कपालभाति और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम है। इससे आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से बिल्कुल सही रहेंगे। रात को सोने से पहले शांत और एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाएं। इससे 2 लाभ मिलते हैं, एक तो नींद अच्छी आती है और दूसरा अगले दिन आप तरोताज़ा अनुभव करते हैं। ध्यान लगाते समय आप मध्यम आवाज़ में शांत संगीत भी सुन सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलता है। हर मंगलवार को सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, ऐसे तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है हर व्यक्ति को रोज़ डेली सुबह करना चाहिए। नहाने के बाद जो है पूजा में जब भी जाएं आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, इसलिए कि हनुमान जी जो हैं संकट मोचन होते हैं, हमारे सभी संकटों को दूर करते हैं, इसलिए हमें कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य कर लें, हो सके तो हनुमान मंदिर भी आप जाएँ, इससे आप पर या आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा, सभी संकट को हनुमान जी हर लेते हैं। हमेशा सुख शांति बनी रहेगी आपके परिवार में। घर के बाहर अगर गाय माता हैं तो उनको आप पहली रोटी जरूर खिलाइए, यह काम हम सभी को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कुत्तों को भी प्रतिदिन भोजन अवश्य कराना चाहिए, साथ ही घर की छत पर पक्षियों इत्यादि के लिए दाना पानी भी रखना चाहिए। जितनी यह पृथ्वी हमारी है उतनी ही उनकी भी है, प्रतिदिन उनको भोजन कराने से हमें पुण्य मिलता है और ग्रहों के दोष जो हैं वो दूर होते हैं। जितने हम पक्षियों को दाना खिलाते हैं उतना ही हमारा ग्रह दोष जो है दूर होता है, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें हर कार्य में जो है सफलता प्राप्त होता है। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों को आप सहायता जरूर करें, भूखे को भोजन खिलाएं। ऐसा करने से भूखे को भोजन कराने से जो है बहुत अत्यधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इन जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, इस उपाय को हम सभी को करना चाहिए, ये नहीं कि कन्या राशि वाले ही करेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको, उन सभी व्यक्तियों को इस उपाय को करना चाहिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपको सतर्क कहाँ रहना है एक बात और जान लीजिए, किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होगी और उन पर आपका आकर्षण आएगा, ऐसे में शुरू में ही उत्तेजित होने से आप बचें और उनके साथ सब कुछ साझा ना करें कन्या राशि वाले, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। ऐसे में शुरू से ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।